हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट गैलरी पर। तो सबसे पहले सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम बना रहे हैं पुराने दिए से बहुत सुंदर होम डेकोर आइटम, और पुराने दिए से ही हम एक सुंदर दिया बना रहे हैं और वो होम डेकोर आइटम भी है। तो यहाँ पर मैंने दो दिए लिए हैं और मोल्डेड क्ले ले रही हूँ। तो हम बराबर क्वांटिटी में दोनों मोल्डेड जो क्ले लिया है, दोनों क्ले को बराबर क्वांटिटी में हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पता होगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मोल्डेड क्ले का यूज़ करते नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हो। मोल्डेड क्ले के बारे में मैंने पहले वीडियो पोस्ट किया है। तो क्ले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमें करना है दिए पर कुछ डिज़ाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पर दिए पर ऊँट बना रही हूँ, बैठा हुआ ऊँट बना रही हूँ मैं। तो पहले हम ऊँट का मुंह बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऊँट का मैंने मुंह बना दिया है और ये सूखेगा तब तक हमें कुछ सपोर्ट के लिए रखना पड़ेगा। तो मैंने एक दिया रख दिया है, तो ये सूखेगा तब तक हम दिया रख के रखेंगे, सूखने के बाद इसे हटा लेंगे। नीचे मैं पेपर रख देती हूँ ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं, थोड़ा हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। और अब हमें बनाना है इसके छोटे छोटे से कान, क्योंकि ऊँट के कान भी होते हैं। अगर मैं कान नहीं बनाती तो ये थोड़ा कछुए के जैसा भी दिखता, इसलिए मैंने कान बनाए हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसकी नाक और मुंह बना देती हूँ। देन इसके बाद हमें बनाना है इसके पैर। तो हमारे पास मोल्डेड क्ले ख़त्म हो चुका था, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा मोल्डेड क्ले और मिक्स करूँगी। हम साथ में क्ले मिक्स कर लेते हैं पूरा, तो भी अगर हमें टाइम लग जाता है तो क्ले सूख जाता है। इसलिए कुछ भी बनाते हो आप तो थोड़ा थोड़ा क्ले मिक्स करके बनाना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ है पहले, मैं इकट्ठा क्ले एक बार मैंने पूरा मिक्स कर लिया था और आधा क्ले मेरा यूज़ हुआ, आधा मेरा सूख गया था। उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा क्ले ही मिक्स करती हूँ। तो अब हमें यहाँ पर ऊँट के पैर बनाना है। अब ऊँट के पैर तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन ये ऊँट बैठा हुआ है तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे पैर बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ। अगर आपको लगे तो आप जब भी इसे ट्राई करो तो आप बड़े पैर बना सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, मैं छोटे छोटे पैर ही बना रही हूँ। तो पैर तो हमने कछुए के जैसे बना दिए हैं और मुंह बना दिया है ऊँट के जैसे। तो चारों पैर हम इसी तरीके से बना लेंगे। नीचे पेपर रखना ज़रूरी है ताकि हम जहाँ भी नीचे बना रहे हो वहाँ चिपके, हमारा चिपके ना, पेपर से हम पेपर के साथ उसे उठा सकते हैं। तो अब ये कान भी बन चुके हैं हमारे। अब हम बना देते हैं ऊँट की आँखें। आँखें बनाने से पहले मैं ऊँट की पूँछ बना देती हूँ, और ये भी मैं बहुत छोटी सी बना रही हूँ क्योंकि हमारा ऊँट छोटा ही है और बैठा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ मैं बड़ा इसमें बना नहीं सकती। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया है। मैंने ना पहले इसकी कान निकाल दिए थे, मुझे लग रहा था कि बिना कान का ऊँट बनाऊँगी तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैंने कान निकाल दिए थे लेकिन बाद में वापस लगा दिए। और यहाँ पर मैं अब कुछ और डिज़ाइन बना रही हूँ जिससे ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। हम हमारे दियों पर जितना ज़्यादा मोल्डेड क्ले से वर्क करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने इतना भी वर्क नहीं किया, बहुत सिंपल सा बनाया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा क्ले से, पहले भी मैंने ये दिया यूज़ किया था, उसके बाद फिर से मैं इसका कुछ बना रही हूँ। तो पहले से कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी, मैं उसी के ऊपर थोड़ा क्ले से वर्क कर रही हूँ और इसके ऊपर हम एक दिया लगा देंगे। तो ये मुझे लगा था कि ऐसा ज़्यादा अच्छा लगेगा, पर नहीं, वो पीछे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब हमें इसकी आंखें बनाना है। मैंने कान वापस चिपका दिए थे क्योंकि बिना कान का ऊँट बहुत बुरा लग रहा था। तो अब जो इतनी डिज़ाइन हो गई है, अब हमें ऊँट की रस्सी बनाना है, क्योंकि जो ऊँट होता है उसके गले से थोड़ा रस्सी भी रहती है जिसके कारण उसका लुक और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बहुत ही पतला करके क्ले को इस तरह से किया है, और यहाँ पर हम रस्सी को थोड़ा इधर उधर करके लगा देंगे, तो जिससे ये जो हमारा डेकोर है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ये ऊँट जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊँट बैठा हुआ है और उसके ऊपर दिया रखा हुआ है। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए सूखने रख दिया था, थोड़ी देर मतलब लगभग 30 मिनट के लिए मैंने इसे सूखने रख दिया था, और यह बहुत अच्छे से पत्थर के जैसे हार्ड हो चुका है। अब ये डिज़ाइन कभी नहीं निकलेगी। तो अब हम कर देते हैं इस पर कलर। तो मैं यहाँ पर एक्रेलिक का ब्लैक कलर कर रही हूँ।
वैसे पहले मैंने सोचा था एक्रेलिक का रेड कलर ही करूँगी, लेकिन रेड कलर तो वो दिए पर पहले से ही है तो कुछ अलग लगता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ एक्रेलिक का ब्लैक कलर किया है। एक्रेलिक कलर बहुत शाइन करते हैं तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और पानी लगने पर भी धुलते नहीं हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अधिकतर एक्रेलिक कलर का ही यूज़ करती हूँ। तो पूरे दिए पे कलर करने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे कुछ डिज़ाइन। तो मैं सेरेमिक कोन ले रही हूँ यहाँ पर और वाइट सेरेमिक कोन से इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन तो यार बहुत अच्छा लगता है। तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन करने के बाद इसमें मैं गोल्डन पर्ल कलर का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम ये डिज़ाइन आपको पता ही होगा पहले दिए पर थी, इसलिए मैंने ऐसी ही डिज़ाइन बना ली क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और वैसे हम जितना ज़्यादा ऊंट को सजाएंगे वो उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। मेहंदी जिसको बनाना आता है वो बहुत सुंदर सुंदर सी डिज़ाइन बना सकता है सेरेमिक कोन से। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मैं ऊपर साइड भी डिज़ाइन कर दूँगी। मैंने जो रस्सियाँ बना ली थी तो डिज़ाइन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन रस्सियाँ बनाना भी ज़रूरी है। तो फिर भी मैंने डिज़ाइन अच्छी बना ली रस्सियाँ होने के बाद भी। आपको अगर बना नहीं, पर आप भी ऐसा नहीं कर सकते कि पहले डिज़ाइन बना लो फिर रस्सियाँ बना लो, क्योंकि कलर भी करना होता है तो वो थोड़ा एडजस्ट करके ही हमें डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे पैर बना देती हूँ। वैसे इसके पैर ऐसे होते नहीं हैं पर डिज़ाइन करना है यार, जिससे हमारा ऊँट और अच्छा लगना लगे, अच्छा लगने लगे। क्या क्या बोलती हूँ यार मैं। तो यहाँ पर हम जो ऊपर दिया लगाया है वो भी थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट कर देते हैं क्योंकि वो सिंपल लग रहा था और जो ऊँट है वो थोड़ा हमारा उसके सामने अच्छा लगने लगा था। तो इसमें भी थोड़ी सी डिज़ाइन हम बना देते हैं और थोड़ी सी डिज़ाइन बाहर साइड भी बनाएंगे। सेरेमिक कोन का यूज़ करना तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसके साथ मिरर लग जाए तो चार चांद लग जाते हैं। सेरेमिक कोन का वर्क और मिरर का वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें मिरर वर्क नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि मैं इसमें गोल्डन पर्ल कलर का यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन पर्ल कलर ले लिया है और थोड़ा थोड़ा हम इसी तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो चलो मैं गोल्डन पर्ल कलर कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो ये आखिरी तक देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पर हम इसकी रस्सियों में भी कलर कर देंगे ताकि रस्सियाँ अलग से दिखे कि ऊँट पर हमने रस्सियों की डिज़ाइन भी बनाई है। फ्रेंड्स आज दिवाली भी है तो सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली। और मार्केट थोड़ा आज ज़्यादा मार्केट में भीड़ भी है इसलिए बार बार गाड़ियों की आवाज़ें भी आ रही है घर के बाहर। दिवाली है तो ऑफकोर्स भीड़ तो होगी ही, सभी लोग कुछ ना कुछ ख़रीदते ही हैं तो मार्केट आते हैं तो थोड़ा आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर हम और कुछ गोल्डन कलर से डिज़ाइन कर देंगे, थोड़ा थोड़ा हम इनमें भी कर देंगे जिससे हमारा जो होम डेकोर आइटम है और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो पुराने दिए से ऊँट है वो रेडी हो चुका है, इसे हम होम डेकोर आइटम भी बोल सकते हैं और ऊँट वाला दिया भी बोल सकते हैं। तो आपको कैसा लगा? तो दोस्तों आपको मेरा ही वाला दिया का प्यारा प्यारा ऊँट कैसा लगा? इसमें मैंने एक बड़ा दिया लिया है, एक छोटा दिया लिया है और मोल्डेड क्ले से इसमें मैंने बैठा हुआ ऊँट बनाया है। तो यहाँ पर मैं इसके पैर ज्यादा बड़े बना नहीं सकती थी तो मैंने छोटे बना दिए और ये इसका मुंह बनाया है और यहाँ से कुछ रस्सियां बनाई है। तो थोड़ा मैं पास करके दिखाऊंगी आपको, ये देख सकते हो फ्रेंड्स आप ये वाला दिया कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और ये थोड़ा सा कछुए का लुक भी दे रहा है, लेकिन मुझे बनाना था ऊंट इसलिए मैंने यहाँ पर से ये रस्सियां बनाई है। अगर मैं कछुआ बनाती तो ये रस्सियां नहीं बनाती और छोटा सा थोड़ा मुंह इसका छोटा बनाती। तो फ्रेंड्स आपको ये ऊंट वाला दिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ रुको, सभी को हैप्पी दिवाली, चलो बाय बाय।